हे गाइस, वेलकम टू चैनल आरटी ब्रेन्स। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जो कि 2019 सेशन सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं 4 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक शेड्यूल की गई है सेकेंड फेज का, तो गाइस उसके एडमिट कार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज है कि झारखंड स्टेट का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो जिला है उनका जो है सीबीटी लिस्ट, मेरिट लिस्ट या एडमिट कार्ड लिस्ट जो है वो भी अवेलेबल हो चुका है, जो कि अभी मेरे पास मौजूद है। और कहाँ कहाँ हम लोग का जो है एग्जामिनेशन दिया गया है, दैट मीन झारखंड स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन होंगे, किन किन राज्य किन किन जिला का, ठीक है, वो सारा यहाँ पे लिस्ट में हम लोग देखेंगे। साथ ही ये जो लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज उसके पहले जो है आप लोग अगर चैनल पे न्यू होंगे जो बच्चे, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इस तरह के पल पल की अपडेट सारी दी जाती है। तो गाइज देखिए, 19-21 जो सेशन सेकेंड ईयर है, तो जैसा आप लोगों को पता होगा इसकी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे जिनका की बैक रह गया 19-21 सेशन वाले बच्चे का, उनका जो है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, बशर्ते कंडीशन ये रहेगा कि ईडी और प्रैक्टिकल में वो पास रहेंगे तब, ठीक है। तो गाइज और अदर सब्जेक्ट लाइक ट्रेड थ्योरी ईएस या फिर डब्ल्यूसीएस में भी फेल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पास हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो गाइस सेकंड ईयर के हम लोग बात कर रहे हैं जिनका कि अभी जो है शेड्यूल हो गया है 4 तारीख से 9 जनवरी तक, जहां कि मैंने आप लोगों ने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना भी दिया था, देखिए यहाँ पे, और जो है लिस्टें भी आप लोगों को मैं अवेलेबल कर दिया था, यूपीए सबका जो है मैं अवेलेबल किया था। तो गाइज अभी जो है जो अपडेट आ रहा है, 4 तारीख से एग्जामिनेशन है और एडमिट कार्ड जो है कुछ कुछ बच्चों का जो है अवेलेबल हो गया है, जो है कुछ कुछ स्टूडेंट्स के जो है एनसीबीटी पोर्टल में वो डाउनलोड भी वो बच्चे कर पा रहे हैं। बट गाइज मैक्सिमम जो तादाद है, ठीक है, मैं ये अपडेट आपको आज का दे रहा हूँ, 1 तारीख का दे रहा हूँ, मॉर्निंग के टाइम का आपको अपडेट दे रहा हूँ कि अभी भी कुछ बच्चों का जो है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स का जो है ये करके रखा हूं। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे हॉल टिकट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पॉपअप्स तो आता है, ठीक है, पॉपअप आएगा कि डाउनलोड होने के लिए, लेकिन वो डाउनलोड होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैंक जो है एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड होगा, ठीक है, दैट मीन्स अभी अपलोड नहीं हुआ या प्रोसेस में चल रहा है। इसमें हम लोग देख लेंगे इसकी कब तक हो सकता है। चलिए एक और कैंडिडेट है, उनका भी मैं आप लोग को चेक करके पहले दिखा देता हूँ। देखिए दूसरे बच्चे हैं इस आईटीआई का, ठीक है, नव भारत आईटीआई इस तरह करके है। यहाँ पे देखिए सीबीटी हॉल टिकट में क्लिक करता हूँ सेकंड ईयर, जबकि यहाँ इलिजिबिलिटी भी देख लीजिए उनका जो है क्लियर है, इलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। हॉल मतलब इन हाफ ईयरली सेशनल मार्क्स अवेलेबल, यस, फिर वन का भी यस है, एग्जाम फी भी यस है, अटेंडेंस वगैरह सारा इनका क्लियर है, इलिजिबल भी है, फिर भी यहाँ क्लिक करने पे ब्लैंक दिख रहा होगा। तो अपडेट के तौर पर गाइज यही है कि अभी जो है सारे बच्चों का जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप लोग पैनिक नहीं होइएगा। और डाउनलोड कब तक होगा, तो गाइज ये जो है आज शाम तक या फिर कल तक जो है ये चीजें जो है आप लोग को अवेलेबल तो हो जानी चाहिए, ठीक है। हालांकि संडे है कल, बट आई थिंक कि कल तक जो है आप लोग के सारे ये जो डाउनलोड्स हो जाएंगे। नहीं होते हैं बाय द वे किसी कारणवश, तो फिर मंडे को तो 100% आप लोग का जो एडमिट कार्ड है हर बच्चे के पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो गाइज ये था अपडेट। दूसरी चीज है कि झारखंड का मैं बता रहा था आप लोग को, और एडमिट कार्ड भी बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। और दूसरे बच्चे जिनका जिनका एडमिट करने है, तो बीच बीच में अपना चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ पे मैं झारखंड का जो ये पूरा लिस्ट जो है ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, और ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, वहां पे आपको ये लिंक जो ये जो पूरा पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको वहां पे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो करीब करीब गाइज यहाँ पे 16 जो है 26,000 बच्चों का यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। हालांकि 26,000 में यहाँ पे रिपीटेड कैंडिडेट्स भी हैं जिनका कि 2 दिन में एग्जाम है, लाइक ट्रेड थ्योरी 1 दिन है और फिर ईएस और डब्ल्यूसीएस 1 दिन है। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स जो है 26,000 तो यहाँ लिस्टेड दिखेंगे, लेकिन उसमें मल्टीपल मतलब 1 से 2 एग्जामिनेशन भी है उनका, इस वजह से इनका जो संख्या बोले तो 12-13 हजार बच्चों का एग्जामिनेशन हो रहा है। चलिए बात कर ले कौन कौन जिला में एग्जामिनेशन हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, बोकारो, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, फिर जो है लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावा, उसके बाद सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो गाइज ये सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि लगभग जो है सभी जिलों में झारखंड के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे आप अपना आईटीआई का कोड होगा, ये आपका जो है रोल नंबर हो गया, ये जो है ट्रेड कोड हो गया आपका, ट्रेड देखिए ट्रेड नेम सारे कौन कौन सा ट्रेड दिखा देते हैं आप लोग को। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ईयर दैट मींस जो 20-21 सेशन है ठीक है, उनका भी यहाँ पे है, जहाँ की आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेल्डर हो गया, फिर इलेक्ट्रिशियन फिटरी सारे ट्रेड्स के यहाँ पे हैं। तो गाइज 20-21 सेशन फर्स्ट ईयर का भी एग्जामिनेशन है, नोट कीजिएगा, और 19-21 ठीक है, 19-21 सेकंड ईयर का पेपर है। तो यहाँ पे गाइज यदि सब्जेक्ट्स बोलूं तो देखिए ईएस का यहाँ पेपर है, फिर और भी आप लोग को यहाँ पे ईएस के अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स भी आप लोग को दिखा देते हैं, जहाँ की मैं देखा हूँ इसको, देखिए ट्रेड थ्योरी का भी पेपर है और WCS का भी पेपर मिलेगा आप लोगों को, देखिए यहाँ WCS का भी पेपर है। डेट्स की बात करूं देखिए 7 तारीख की डेट इस सब में जो है आप लोग का WCS का पेपर को लिया जाएगा, 9 तारीख के डेट में भी, 4 तारीख में देखिए आपका जो है ट्रेड थ्योरी है, फिर ईएस जो है वो भी 4 तारीख के डेट में। तो गाइस ऐसा नहीं है कि 4 तारीख की डेट में सिर्फ ईएस होगा, ऐसा नहीं होगा, ये 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में किसी भी आपका होगा। इस लिस्ट में आप लोग को बस करना है क्या, सर्च कर लेना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चेक कर लेना है किस किस दिन आप लोग का एग्जामिनेशन है ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटर है ठीक है, एक सेंटर में आप लोग का जैसे ट्रेड थ्योरी हो जाए तो फिर दूसरे जगह के सेंटर में ईएस और WCS हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट सबके साथ ऐसा जरूरी नहीं है गाइस, ये बात भी आप लोग को मैं कहूंगा। इसलिए पीडीएफ जो मैं डालूंगा इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और एडमिट कार्ड में जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उसके बाद, या फिर कॉलेज में जाके भी एडमिट कार्ड अपना ले सकते हैं कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके, और वहां पे एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने जाना है, जिस दिन होगा जिस टाइम में होगा आपको देने जाना है। तो गाइस जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे 2 घंटे का पेपर होगा आप लोग का जो है ईएस और WCS होगा, और फिर ट्रेड थ्योरी जो है एक दिन वो 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पे आप लोग ना सेंटर देख पाइएगा। तो गाइस विशेष में तो यही था और कुछ यहाँ पे है नहीं, और 20-22 सेशन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो प्रमोट हो ही चुके हैं, चैनल पे अपडेट भी आप लोग को किए थे। तो गाइस यहाँ पे यदि एक पर्टिकुलरली जैसे मैं कोई डिस्ट्रिक्ट का ले लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं गोड्डा जिला का यदि चेक करूं ठीक है, तो गोड्डा जिला में देख लीजिए यहाँ महिला कॉलेज जो है गोड्डा भागलपुर में यहाँ देखिए सेंटर पड़ा है, लगभग जितने भी आईटीआई हैं ठीक है, सभी आईटीआई गोड्डा जिला में जितने भी आईटीआई हैं सभी गोड्डा जिले के आईटीआई का सेंटर कहाँ पड़ा है भाई, तो यहाँ महिला कॉलेज ठीक है यहाँ पड़ा है। और लगभग यहाँ यदि कैंडिडेट्स की यदि बात करूं तो इसको इस तरह से हाँ देखिये यहाँ पे 5,000 से लेकर के करीब करीब ये संख्याएं इस तरह से गिननी पड़ेंगी। खैर कोई नहीं गाइस, आप लोग को ये अपडेट मुझे देना था तो मैंने ये अपडेट दे दिया। चलिए एक चीज और आपको बता दें कि इसको आप लोग डाउनलोड कैसे कीजिएगा है ना, कि अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है अपने क्रोम ब्राउजर से, यहाँ पे लिखना है NCVTMIS ठीक है, एंटर कर दीजिएगा। यहाँ डायरेक्ट आप ट्रेनिंग प्रोफाइल खोल सकते हैं या फिर NCVTMIS भी खोल सकते हैं आप ठीक है। इसको खोलने के बाद यहाँ पे ये जो पेज खुलेगा यहाँ पे आपको ट्रेनी पे क्लिक करना है और ट्रेनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है ठीक है। ये खोलने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन आर लगाना होगा कैपिटल अक्षर में, R190 ठीक है, 1908200 इस तरह से आपका जो भी है वो अपना एंटर कर लीजिए। गार्जियंस नेम द फादर्स का नेम कैपिटल में लिखिएगा ठीक है, कैपिटल में जो भी है शुद्ध शुद्ध लिख दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए, देन यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद गाइज आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस जो कि मैंने आपको दिखा दिया है इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ खुलने के बाद आपको सीबीटी देखिए सीबीटी हॉल टिकट है ना, सीबीटी हॉल टिकट में ये वाले पे क्लिक करना है क्योंकि सेकेंड ईयर का आप लोग का एग्जामिनेशन हो रहा है ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले में तो एग्जाम हो नहीं रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, हो सकता है यदि आपका पॉपअप ब्लॉक होगा यदि ब्राउजर में आपका, तो उसको अभी आप ओपन कर लीजिएगा तभी वो डाउनलोड होगा ठीक है। हालांकि अभी तो ये हो नहीं रहा है गाइस, बट होगा तो आपको मैं कम्युनिटी टैब या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे आप लोग को अपडेट कर देंगे ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आप मार्कशीट भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं और हॉल टिकट, ये वाला हॉल टिकट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है, तो यहाँ पे आप नहीं जाकर के आपको यहाँ पे सीबीटी वाले में क्लिक करना है। कुछ कुछ चैनल पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा एडमिट कार्ड ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड इनकम्प्लीट एडमिट कार्ड है, जहाँ की उसमें आप लोग को जो है बार कोड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वो चीजें नहीं दिखेंगी ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड का कोई मतलब भी नहीं एक तरह से हाँ, लेकिन
जो है एडमिट कार्ड आप लोग के शाम तक या फिर कल तक जो है ये एडमिट कार्ड्स आप लोग के आ जाएंगे। आई होप गाइज कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो गाइज चैनल पे जो बच्चे न्यू होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और झारखंड के हैं तो जरूर इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।